अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी मेज़बान अलीशा जावेद नूर के साथ। हाँ जी, तो आज जो है हम जा रहे हैं पिंडी। पिंडी हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि है नूर का एग्जीबिशन और नूर को मिलनी है आज डिग्री उसकी आर्ट्स की। पिंडी आर्ट काउंसिल हम जा रहे हैं और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम रास्ते में हैं अभी और पिंडी वैसे भी हम जाते रहते हैं लेकिन कभी मैंने इतने गौर से नहीं देखा। आज मैं पिंडी को गौर से देख भी रही हूँ और साथ आप लोग को भी विज़िट कर आ रही हूँ। और तो अब तो वहाँ पर जाके पता चलेगा कि हमें कितना मज़ा आने वाला है। नूर को भी शुरू से पेंटिंग का बहुत शौक है, उसको आर्ट्स बहुत अच्छी लगती है। तो अब जो है फाइनली उसको इस शौक का डिप्लोमा मिलने वाला है। और आप सब बताएं, आप सब लोग पिंडी गए हुए हैं और किस किस को जो है आर्ट्स का शौक है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और ये पिंडी का क्रिकेट स्टेडियम है, इसके साथ ही जो है वो पिंडी आर्ट काउंसिल है। और जी, जिसको आर्ट्स का शौक है ना वो लाजमी बताइएगा। आप लोगों को पता है मुझे तो आर्ट्स का बिल्कुल शौक नहीं है, सीरियस मुझसे बनती भी नहीं है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं मुझसे बनती ड्राइंग में। बस एक नूर में अल्लाह ताला ने आर्ट्स का शौक रखा हुआ है और मेरे भाई अली में मुझे तो बिल्कुल भी शौक नहीं है इस चीज़ का। और शायद हम पहुंच गए हैं क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इधर आ रहे हैं तो इसलिए मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है। और अब देखें कब तक पहुंचते हैं, मेरे ख्याल से शायद हम पहुंच ही गए हैं। और कब पहुंचेंगे, ये हम पहुंच गए, हम पहुंच गए और अब ये हम अंदर इंटर होने वाले हैं। और ये हम अंदर भी इंटर हो गए, अभी गाड़ी वगैरह पार्क करेंगे और फिर मैं आपको अंदर लेके जाऊंगी। और ये अब जो है हम अंदर इंटर होने वाले हैं, चले मैं आपको अंदर भी लेके जाती हूँ। और यार पता नहीं क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई होप कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। पेंटिंग एग्जीबिशन है आज और अभी तो हम जा रहे हैं ना पेंटिंग्स वगैरह जस्ट जो है वो सेट वगैरह करना क्योंकि जो ऑडियंस हैं वो मतलब कि जो विजिटर्स हैं वो तो 3 बजे आएंगे। और ये सबकी पेंटिंग्स हैं, जितने लोगों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है तकरीबन पूरा हॉल ही भरा हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सब पार्टिसिपेट किया है, अपनी पेंटिंग सब ने इसमें रखी है। अच्छा, आप लोग को ऐसे हर जगह पार्टिसिपेट करना चाहिए जहाँ पे आपको आपकी आपका जिस चीज़ में शौक है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है और आपको मौका मिल रहा हो उसको सामने लाने का, तो आप उसको जो है ज़ाया मत किया करें, आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। और ये मीडिया वाले भी आए हुए हैं तकरीबन, ये देखें कितना मतलब के जो है ना हॉल कितना भरा हुआ है। ये भी इसकी बेसमेंट है, मैंने आपको बाहर नहीं दिखाया, मतलब बाहर तो बहुत गर्मी है। मेरे हाथ से ऑडियंस भी आ और अब 3 घंटे गुजर चुके हैं और एग्जीबिशन स्टार्ट हो चुका है। हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और अब हम इन्होंने भी तलावत पहले करवाई है क्योंकि जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जो इसमें बरकत ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब आप भी तलावत सुने और मैं भी तलावत सुनती हूँ सारे। अल्लाहुल्मलिकुल हम
और तलावत का सिलसिला हुआ ख़त्म। और अब ये जो है जिन्होंने पुप्पो को पेंटिंग सिखाई है उनके मैम, और साथ लास्ट में जो ब्लैक ड्रेस पैंट कोट में खड़े हैं वो पुप्पो के सर हैं। तो अब इनकी स्पीच भी सुनते हैं। ये बहुत ही नाइस मैम है, मतलब कि बहुत ही अच्छी है नेचर वाइज भी, इनके सर भी बहुत अच्छे हैं, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से इनको पेंटिंग सिखाई, इन्हीं की वजह से आज पुप्पो इधर पेंटिंग सीखने के काबिल हुई हैं। तो चले अब जो है इनकी स्पीच सुनते हैं। सॉरी मैंने आपको तो इनका इंट्रोडक्शन कराया ही नहीं, इनकी स्पीच ही बड़े मज़े की होती है कि मुझे याद ही नहीं इंट्रोडक्शन कराने का। ये है सैयद जमालिया, PTV के डायरेक्टर हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, और इनकी स्पीच भी सुनते हैं। स्पीचेस होती हैं हत्तम, और आप इंजॉय करें। ये मिनिस्टर राशिद हफीज साहब एट द एंड आए, जानते नहीं है भाई। और ये है रिफ्रेशमेंट, और सारे अभी तक खाना खाने आए हैं। आप भी खाने एंजॉय करें, मुझे भी खाने दीजिए, ये चाय से मुझे बहुत मज़े के हैं।